इस आधार कार्ड को डालने का मेन कारण यह है कि अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई खामियां है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी नेशनल आईडी के थ्रू आपको देखकर उसे करेक्ट करना है। जो पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वो गलत लिखा गई है, लेकिन वो जो मेरे आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसके आधार पर आप उसे करेक्ट करें। तो वो जब आपका आधार कार्ड वहां पे होगा तो वो जब उसे देखेंगे तब वो उसे मैच करेंगे और देखेंगे कि हाँ इनका डेट ऑफ बर्थ इनके नेशनल आईडी पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और लिखा गया है तो उसे करेक्ट करना है। यहाँ पे नाम को लेकर भी कभी कभी ये होता है कि हमारे नाम का कोई अक्षर या हमारा लास्ट नेम छूट जाता है या मिडिल नेम जो है वो नहीं लिखा होता, उसमें भी हमको अपना आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट करना है और उसके बाद हमको इस मेल को पूर्णता होने के बाद में सेंड करना है। हर विषय में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई अपनी फोटो आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करते हैं उसके आधार पर ही हमारा जो भी प्रोफाइल में अपडेट करना है वो आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और हमें मेल भी अगर करेक्ट करना है तो हमें अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर डालें, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये हमारा ही मेल है और अपन अपने नेशनल आईडी है उसको दे रहे हैं, और ये प्रूफ के रूप में कि मैं खुद स्वयं कोई और व्यक्ति इसको चेंज नहीं कर रहा है। यानी कोई चीटिंग करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रोफेसर थैंक यू, और कुछ आगे? थैंक यू सर। मैं यहाँ पे आज जो सेशन 2 हो गए, यहाँ पे हमने देखा हिस्ट्री क्लियर करना क्या होता है, उसके बाद में आपने मेल कैसे करना ये आपने यहाँ पे सिखा दिया, और इस बारे में जो यहाँ पे बातें हो गई तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे लेकिन कोई स्क्रीन नहीं शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हिस्ट्री कैसे क्लियर करनी है, इसके बारे में अगर कुछ आपको समझा नहीं है तो उसके आंसर दिए जाएंगे। और जिन लोगों का यहाँ पे मेल के लिए क्या करना है ये भी समझा नहीं, तो उसके बारे में यहाँ खाली क्वेश्चन आंसर होंगे। तो इसके लिए जैन सर, आशीष सर जी, अरविंद सर जी और बशीर शेख, ये चार आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, और ममता मैडम हर बंदे को यहाँ पे अनम्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं हम सब। तो वेलकम, जिसका भी डैशबोर्ड के बारे में या हमें मेल कुछ प्रॉब्लम है उस बारे में आपको कुछ समझा नहीं है तो आपका यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। तो वेलकम टू एंड ओवर टू ममता मैडम। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आई बशीर जी, कैसे हो? अच्छे हैं मैडम ठीक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। टीम मिगल के बंदे और धीरे आवाज जचती नहीं है। चलो तो सर, मैंने ये 2% को अनम्यूट कर दिया, आ गए अपना सवाल पूछ लें। मैडम जी सर वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। सर आवाज आ रही है सर मेरी? यस हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर कि ये MLV एक्टिवेशन क्या है सर, और ये फेसिंग प्रॉब्लम क्या है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर, मैं वो समझ दोपहर में होगा में। सर, वो दोपहर में होगा। पहले हम आज जो 2 सेशन दिखाए हैं मेल कैसा करना जी आपको सर, डैशबोर्ड के बारे में, इसमें कुछ आंसर है तो या क्वेश्चन तो आप हमें उनसे उसी के हम आंसर देंगे। हम ऐसे सेशन सर 2 दिन लेने वाले हैं, कुछ आपको पता दिया जाएगा, लेकिन अभी जो टॉपिक हुआ है उस पे आपके क्वेश्चन है तो बता दीजिए सर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है हाँ बोलिए जी सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो वहां पर जो है ना प्रोफाइल अपडेट करने का जो ऑप्शन आता है सर, तो कहीं जो है ना 100%, किसी में 75%, किसी में 50, किसी में 60, ये जिस तरह का परसेंटेज शो करता है तो इसका क्या मतलब होता है सर? ओके, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर दूंगा। आपने जो जुड़ा पुराना ईहा आपने अपडेट किया था, पुराना ईहा,
जो लुक बदलने से पहले, तो वहां पे आपने शो द इंटरेस्ट किया था, आपने प्रोफाइल भर, तो कंपनी ने क्या किया, वहां पे एक ईमेल ऐड कर दिया आपके लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको वहां इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ वहां पे एक्टिव कर दिया, वो भी बाय वेबसाइट। आप पहले वहां पे क्या करते थे, डायरेक्ट फीड करते थे, और जेंडर भी बाय वेबसाइट में फीड कर लिए, तो उसको आप चॉइस करना है और वहां पे फिलिंग ऑफ ब्लैंक भरना है प्रोफाइल में, ये बात हो गई। बाद में आप पोस्टल एड्रेस, पहले हमारे यहाँ में वो पोस्टल एड्रेस नहीं था, तो ये वहां पे नए लुक आए हैं, तो जो परसेंटेज बन जाता है, हम पूरे फिलिंग भरेंगे तो 100%, हमने वो भरा नहीं है, इसीलिए 50 या 56 या 60 दिखाई देगा। थैंक यू। ओके सर। सर नेक्स्ट सवाल एक और है सर, लास्ट सवाल सर, जैसे कि ये सारा प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है सर, तो ये सारा सवाल कंप्लीट करने के बाद ये पोर्टल वाला क्या ऑप्शन है, ये कहीं शॉपिंग पोर्टल से रिलेटेड तो बात नहीं आ रही है सर पोर्टल वाला? उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी सर, हम कुछ अभी थोड़ा सा यहाँ का स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे आएगा उसमें हम बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए सर, थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट पर्सन मैडम जी। जी हाँ, मैंने किया है पर्सन अनम्यूट। आज ये जो भी पर्सन अनम्यूट अपने आप को डाल रहे हैं, देख रहे हैं, वो कर सकते हैं, अपने बात कर सकते हैं। ज्योति गुर्जर जी वेलकम, गदानंद राव जी वेलकम, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। ज्योति जी पहले वन पर्सन बोलिए मैडम, वन पर्सन को रखिए, दो आवाज आ रही है, वन पर्सन। मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस यस सर। सर जी मेरा पूछना ये था कि इसी ट्रेनिंग में स्क्रीन शेयर करने का भी सिखाओ सर, मुझे नहीं आता है। सब हो जाएगा सर, सिखाएंगे सिखाएंगे, पहले वो भी हम लेने वाले सर, हम इसीलिए तो 2 दिन ट्रेनिंग रखे हैं, और किसी ने भी मिस न करे, जो हमारे टाइमिंग 2:30 बजे की हो, रात के 7 बजे की हो, तो इसको आपको नहीं मिस करना है, आज का टॉपिक नहीं होगा, इसीलिए तो हमने जितने भी बंदे यहाँ 500 बैठे हैं, इनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर, बस इतना ही कुछ। ओके मैडम जी, आगे लीजिए। ज्योति जी। हाँ मैम, गुड, हेलो, आवाज आ रही है मैम बराबर? बिल्कुल आ रही है। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, जो यहाँ में प्रोफाइल अपडेट करना है, उसमें ईमेल नया डालना है कि जो अपना जा लाइफ में है वही डालना है? जैन सर, आप इसका आंसर देंगे? ज्योति मैम, ऐसा है, आपकी पुरानी ईमेल वहां पर लगी हुई आएगी, आपको अब क्या करना है, आपको एक एक्स्ट्रा घर में से किसी की भी ईमेल है तो उसे वहां पर डालना है। उसका कारण सुन लीजिए कि आप जब वो ईमेल को भरेंगे तो मान लीजिए आपकी ईमेल का पासवर्ड खो गया या कल आपको मोबाइल खो गया है, तो आपकी ईमेल यदि रिकवर नहीं होती है तो आपको उसको रिकवर करने के लिए दूसरा मेल मांगा जा रहा है, जिससे जब आप पूछेंगे तो उस मेल से आपको उसका जवाब मिल सके और आपकी जो फाइल है वो रिकवर हो सके। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप दूसरा मेल वहां पर डालने की, यदि किसी के पास दूसरा मेल नहीं है और वो बनाना भी नहीं चाहते तो वो पहली मेल को ही डाल करके सबमिट कर सकता है, उनका 100% हो जाएगा। तो मेरा फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि, जी बोलिए, नीचे पासवर्ड भी लिख के आता है, तो पासवर्ड कौन सा डालना है, ईमेल का ही डालना है? ना 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 ना, पासवर्ड यदि आपको चेंज करना है ईहा के अंदर तो आपको पासवर्ड वहां पर चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है, यदि आपको चेंज नहीं करना है तो उस पासवर्ड के ऑप्शन को नहीं छेड़े आप लोग, ठीक है मैम? ठीक ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आइए। अरे सर, कर रखा है शंभुनाथ जी को, कर रखा है, 3-4% किया है, मेरे को शो नहीं हो रहे। शंभुनाथ जी आ जाइए आप भी, और किसी का क्वेश्चन तो हैंडरेस कर सकते हैं। शंभुनाथ जी वेलकम है आपका, थोड़ा सा हैंडरेस करके आप लोग नहीं आते हैं, सही नहीं है, आ जाए कीजिए जल्दी से, जिससे हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके और
काफी लोगों के प्रश्नों के हम दे पाए उत्तर। हाँ नीमिया जी, नीमिया जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं गोविंद सोरेन, नीमिया का हस्बैंड बोल रहा हूँ सर।